नमस्कार दोस्तों, इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुलधरा गांव की खौफनाक रात की कहानी लेकर आई। बात उस समय की है जब हमने गांव छोड़ा, मानो तकरीबन 15-20 साल पहले की। तब मैं और मेरा छोटा भाई सही से चल भी नहीं पाते थे। धीरे धीरे हम बढ़ने लगे। मैं, मेरा भाई, पिता, माता और सब दादा दादी जी के साथ खुशी खुशी अपने गांव कुलधरा में रहते थे। हर तरफ मानो प्यार, खुशी, हरियाली और संयोग की भावना थी। दुख का आना जाना था, पर किसी को कभी अनुभव ही नहीं होता था। पूरा गांव जैसे एक परिवार की तरह रहता था। मेरे दादा बंसीलाल गांव के साथ हवा जैसे घुले मिले रहते थे। बड़े होने के नाते सब उनका सम्मान करते थे। अचानक एक दिन सरकारी पत्र आया जिसमें लिखा था कि पिताजी की नौकरी शहर में लग गई है और हम भी बड़े हो रहे हैं। गांव में पढ़ाई का प्रबंध इतना अच्छा नहीं था। पढ़े लिखे होने के नाते पिताजी ने दादाजी को शहर में बसने की सलाह दी। दादाजी थोड़ा घबराए, परंतु बाद में वह भी मान गए। कुछ दिनों बाद ही हम जैसलमेर में आ गए। यहाँ सब इतना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ शरीर ही शहर आए हो, मानो रूह वहीं पर रह गई हो। समय बीतता गया, हम स्कूल जाने लगे, पिताजी का भी काम शुरू हो गया। कुछ साल बीत गए, माता जी बीमार रहने लगी। गांव कुलधरा की यादें भूलने वाली नियति नहीं थी। शहर की चमक धमक, हर वस्तु 3 गुना महंगी, उफ, रोज के खर्चे, ऊपर से माताजी की बीमारी इतनी लंबी चली कि वह खुद ही चल बसी। हम निराश से होकर बिखरने लगे थे। पढ़ाई चलती रही, जैसे तैसे मैंने वकालत की पढ़ाई शुरू कर ली और मेरे भाई ने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया। दादाजी गांव की यादों में ही खोए रहते थे और महंगाई ने भी कमर तोड़ रखी थी। शहर में हमारी स्थिति बिगड़ने लगी थी। हम खुश होकर भी खुश नहीं रहते थे। हमारी पढ़ाई पूरी हुई तो कुछ समय के लिए, मानो 20 से 25 दिन हमें कोई इतना काम नहीं था। गांव जाने का मन सबका हो रहा था। सोच ही रहे थे कि थोड़ी जमीन पड़ी है, बेचकर गुजारा हो जाएगा, साथ ही सबको मिल भी लेंगे। गांव के लिए निकल ही रहे थे, रास्ते में अजीब सी बातें लोगों द्वारा सुनी। मत जाओ, वहां अब कोई नहीं रहता, वहां तो सिर्फ अंधेरा रह गया है। हम हैरान थे, यह सब क्या हो रहा है। सुनने में अजीब था तो जाने का मन तो था ही। हम गांव के पास पहुंच गए, दूर से देखा इतना भयानक अंधेरा, खामोशी, सहमी सी आवाजें, चारों तरफ टूटे फूटे घर और सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हम बुरी तरह डर गए थे। दादाजी धांस बांधते आगे चल दिए। हम अपने घर पहुंचे, वहां अब कोई घर नहीं रह गया था। गांव से बहुत दूर 4 घर होंगे। वहां पर बत्ती की हल्की सी चमक दिख रही थी। हम अंदर से कांप रहे थे, पर कहीं जा भी नहीं सकते थे। रात हो चुकी थी, हमने दरवाजा अंदर से बंद किया, सोचा किसी तरह रात बीत जाए। मेरा भाई, पिताजी, मैं घबराए हुए थे और बहुत थक भी चुके थे। दादाजी हमें हिम्मत देते रहे, बोले एक रात की बात है, सुबह होते ही वापस चले जाएंगे। सोचा था 15 से 20 दिन गांव में रहेंगे, परंतु एक रात इतनी भारी पड़ गई थी। हमने रात को अजीब से आवाजें सुनी। वहां गांव जो अब खंडर बन चुका था, वहां लोगों के हंसने की, तेज हवा की, पत्तों की आवाजें मानो धड़कन को छीन रही थी। हमें हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी हमारे साथ घर में है, जो हमें वहां से निकालना चाहता हो। हर पल शोर और बदलती आवाजों ने हमें अंदर तक झंझोर दिया। कभी बाहर से हंसने खेलने की आवाजें आती, तो कभी चीखने चिल्लाने की। बहुत तेज हवाएं चल रही थी, बिजली भी कड़क रही थी, खिड़कियां अपने आप ही हिल रही थी। मौसम एकदम ही बदल गया। जैसे तैसे हमने इन खौफनाक आवाजों से रात काटी और सुबह होते ही वहां से निकल गए।
हमारे मन में कई सवाल थे, हम जानना चाहते थे कि यहाँ क्या था, कोई जादू टोना या कोई शैतानी ताकत, पर समझ नहीं आ रहा था। गांव से बाहर निकलते ही हमें किसी बुजुर्ग ने बताया कि यह कोई जादू टोना नहीं, यह तो गांव पर कुदरत का कहर है जो हंसता खेलता गांव तबाह हो गया। उसने बताया कि कुछ साल पहले कुछ साधु इस गांव में रहने के लिए आए थे। उन्होंने गांव के मुखिया से गांव में रहने की आज्ञा मांगी, परंतु मुखिया ने यह सही नहीं समझा। मुखिया ने उनको वहां पर रहने की आज्ञा नहीं दी, जिससे साधु क्रोधित हो गए और इस गांव को श्राप देकर निकल गए कि जिस धरती पर दया धर्म नहीं रह सकते, वहां पर और कोई भी नहीं रह सकता। उस दिन के बाद यह गांव वीरान होना शुरू हो गया और यहां पर कोई नहीं रह सका। बस तभी से यहां पर कुछ साधुओं का साया ही घूमता नजर आता है और कुछ नहीं। एक डर और भय ने अपनी जगह बना ली है। बस यही है इस गांव की दास्तां। यह सुनकर हम अंदर से टूट चुके थे। हमने हमारे गांव में इतने दर्द और खौफ की कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम बेजान से शहर पहुंचे। कई दिनों तक वही आवाजें हम महसूस करते रहे। इस खौफनाक रात को हम कभी नहीं भुला पाए। तो आपको कैसी लगी कुलधारा गांव की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।